आज बिना किसी खौफ के जैन मंदिरों पर हमला, तो कभी साध्वियों के साथ दुर्व्यवहार, तो कभी दिगंबर संत की नृशंस हत्या करना आम बात सी हो गई है। और अब पंचम काल में धरती के भगवान कहे जाने वाले दिगंबर संतों के खिलाफ कुछ अराजक तत्व सोशल मीडिया के जरिए उंगली उठा रहे हैं और ये श्रवण संस्कृति के लिए खतरा और समाज के लिए चिंता तथा मंथन का विषय है। पंचम काल में धरती के भगवान कहे जाने वाले दिगंबर संत जब पद विहार करते हैं तो उनको देश ही नहीं पूरा विश्व प्रणाम करता है। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर हर आम और खास उनके आगे नतमस्तक हो जाता है। लेकिन अब इन्हीं संतों की सुरक्षा समाज के लिए चिंता तथा मंथन का विषय बन चुका है। सोशल मीडिया पर कुछ अराजक तत्व संतों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जिसे जैन समाज अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जिस प्रकार से हम अचानक देख रहे हैं, खासकर जैन समाज में भी सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, इसके लाभ तो बहुत सारे मिले हैं, लेकिन कई जगह कई ऐसे सोशल मीडिया के लोग हैं जो ऊटपटांग अनर्गल बातें हमारे संतों के लिए कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बंद होना चाहिए। अगर कोई बात है तो उन्हीं संतों के सामने जाकर पूछिएगा, आप कोई भी बात र्यूमर्स पर आधारित क्यों कर रहे हैं, आप लोगों के मन में गलत फहमियाँ क्यों पैदा कर रहे हैं। मेरा बस एक ही निवेदन है सभी से, जितने भी सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स हैं, अपनी यूट्यूब जैन समाज की बनाते हैं, आपसे बहुत बहुत विनम्र अनुरोध है कि आप जिम्मेदारी के साथ अपनी यूट्यूब को अपलोड कीजिए, पूरे फैक्ट्स को लेकर करिए, कोई भी बात बतंगड़ अपनी सिर्फ व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए करने का प्रयास मत कीजिएगा, इसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। हमारे देश में धन के लालच में कुछ ऐसे लोग आगे आ रहे हैं जो अब धर्म पर भी टिप्पणी करने लगे हैं, धर्म संतों पर टिप्पणी करने लगे हैं और उनके ऊपर अपनी निम्नतम स्तर की सोच को सामने लाने के लिए अलग अलग तरह के घटिया यूट्यूबर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं और यह सिर्फ उनकी कुटिल चाल है एक दूसरे के बीच में वैमनस्यता फैलाने की। यह गलत है, इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। खुलेआम सोशल मीडिया पर YouTube अकाउंट बनाकर अनर्गल पोस्ट कर रहे हैं, जो कि श्रमण संस्कृति के लिए खतरा और समाज के लिए चिंता का विषय है। आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप इसी समाज का हिस्सा हैं। 4 से 5 YouTube चैनल समाधिस्थ आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज एवं निर्यापक मुनि पुंगज श्री सुधा सागर जी महाराज और अन्य दिगंबर संतों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करके शर्मनाक पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला YouTube अकाउंट है बाबजी गोल्ड का, जो साल भर पहले ही बनाया गया है। उसके बाद दूसरे नंबर के अकाउंट का नाम है कल्पतरु, वही तीसरे नंबर पर मोक्ष शेष शाह के नाम से अकाउंट है और चौथे नंबर पर आता है केशव जैन, जिनके नाम में जैन है और अकाउंट पर उनका फोटो भी लगा हुआ है। अब ये कितना फर्जी है उसकी जांच होना अभी बाकी है, लेकिन इन चारों अकाउंट्स पर दिगंबर संतों के खिलाफ इतनी गंदगी इन लोगों ने भर रखी है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। जैन कुल का नाम डुबाने वाले केशव जैन ने निर्यापक मुनि पुंगज श्री सुधा सागर जी महाराज जब आगरा चातुर्मास के दौरान ताजमहल गए थे उसको लेकर के ट्वीट किया और लिखा, अफसोसजनक दिगंबर परंपरा पहली बार किसी मुनिराज ने लक्ष्मण रेखा लांग दी, जिस पर लोगों ने कमेंट करके केशव जैन की लताड़ भी लगाई। तो वही बाबजी अकाउंट ने रीट्वीट कर लिखा, ताजमहल पर नग्नता का प्रचार। तो वही कल्पतरु अकाउंट ने मुनिश्री की फोटो के साथ लिखा है, दिगंबर साधु होकर मुमताज की मजार पर गए। इतना ही नहीं, कल्पतरु अकाउंट और बाबजी ने तो आचार्य श्री विहर्ष सागर जी महाराज और सुनील सागर जी महाराज को लेकर भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है। जय जिनेन्द्र बंधुओं, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द करी औषधि और एक शब्द करे भाव। दोस्तों, अगर कुछ लिखने का शौक है तो भी पॉजिटिव लिखिए, कहीं बोलने का शौक है तो ऐसा मीठा बोलिए कि आपकी वाणी से किसी का हृदय परिवर्तन हो जाए और वो हमेशा हमेशा के लिए जैन दर्शन से जुड़ के भक्त से भगवान बन जाए। मैं जिनवाणी चैनल और जैन फोकस के तमाम दर्शकों से विशेष आग्रह करता हूँ कि अभी जो समय चल रहा है, विशेष रूप से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऐसे अनोखे साधन
सोशल मीडिया के, जिससे आपकी एक लेखनी से विध्वंस भी फैल सकता है और एक लेखनी से समाज में प्रेम वात्सल्य भी हो सकता है। तो अपनी पॉजिटिव ऊर्जा बनाए रखिए और विशेष रूप से नियम है, जैन दर्शन के तमाम साधु संत अन्य मत के भी किसी के हो तो उसकी निंदा ना करिए, इसका दोष लगता है। आप देख सकते हैं, मतलब समझ ही नहीं आता है कि कितना जहर इनके दिमाग में घुला हुआ है, जो इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करने में खुद की शान समझते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए आपको क्या करना है, सुनिए। दर्शकों से भी मैं कहना चाहूँगा, अगर ऐसे YouTube आपको फालतू जो हमारे मुनियों के खिलाफ हो, धर्म के खिलाफ हो, उनको आप फॉरवर्ड ना करें, ब्लॉक करें, रिपोर्ट करें। फेसबुक पर ऐसा कुछ आए रिपोर्ट करें, आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा, वरना घर बैठे कुछ लोगों के मन में गलत फहमियाँ फैलाते रहेंगे। इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए और इसके लिए हमारा दायित्व बनता है कि ऐसे वीडियो क्लिप्स को, ऐसे समाचारों को ना तो हम शेयर करें, ना ही उन्हें देखें या एक दूसरे को बताएं। इस पर चर्चा करना भी उचित नहीं है, यही मेरा इस विषय पर सुझाव है और इसे हम सबको मानना चाहिए, ताकि सभी धर्मों के मान सम्मान के साथ हम एक दूसरे के साथ सौहार्द और सामंजस्य के साथ जीवन जी सकें। ऐसे कई कमेंट्स हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। आज जहां एक ओर तपती धूप, बारिश, आंधी, ठिठुरती सर्दी में दिगंबर संत कठोरचर्या के साथ पंचम काल में धर्म पताका लहरा रहे हैं, वहां ऐसी ओछी सोच रखने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। यदि धर्म और दिगंबरत्व को बचाना है तो आज ही इनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। जैन फोकस के लिए विशेष रिपोर्ट।